अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मुमताज़ ब्लॉगर के साथ और नई सुबह नया दिन नई जर्नी के साथ। तो आज सुबह हो सके नाश्ता नुश्ता करके और हमें मिल गया आज नया काम। आज हम करने जा रहे हैं टमाटर की खेती। तो ये मैंने पाइप ले लिए पानी देने के लिए और आज हम सभी मिलके जा रहे हैं, मैं पापा अंकल और गुल्लू ये सब जा रहे हैं वो लगाने के लिए, टमाटर की खेती करने के लिए जा रहे हैं। और वो लोग आगे जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी। और आज आपको बताएंगे हम करेंगे टमाटर की खेती। और अभी मौसम आ गया टमाटरों का और फिर हम भारी तादाद में लगाने जा रहे हैं टमाटर। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हम फर्स्ट टाइम टमाटर, तो वो लोग देखिए वो लोग सब तैयार होके जा चुके हैं खेतों में अपने अपने कुदाल पकड़ के। और पापा को देखो बूटी और गुल्लू को देखो ये पानी दे रहा है। इसमें हमने कुछ और भी पनीरीज लगाई हुई हैं जो अभी तैयार नहीं हुई हैं, तो ये आप देख सकते हो। अभी हम ऊपर खेत में लगाएंगे टमाटर और ये अभी पनीरी हमारी तैयार हो रही हैं। देखिए हम पहुंच गए यहाँ सेब के बाग हैं और इनके ये साइड साइड पर जगह है, हम इस पर लगाएंगे टमाटर के पौधे ताकि इस बार सेब की फसल तो हो नहीं रही है क्योंकि सेब कहीं दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही कम सेब है हमारे खेतों में। तो अभी देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर लगाएंगे टमाटर और हमने ये नई पौध भी यहाँ पर डाल दिए, जब तक ये उगेगी तब तक ये वाली पौध तैयार हो जाएगी फिर हम इसको लगाएंगे। तो ये देखिए अब हम स्टार्टअप करेंगे यहाँ से लगाना। ये देख सकते हैं ये है टमाटर की पौध जो अब हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ऐसे ही लगाते जाएंगे। देखो ये सब स्टार्ट हो चुका है और अब हम धीरे धीरे करके एक एक पौध करके इसमें लगाते जाएंगे। और इसमें देखिए इस तरह हम लगाते जाएंगे पूरे खेतों में। ये देखिए धीरे धीरे हमने पौधे लगाने शुरू कर दिए, तो इसी तरह हम पूरे खेत में लगाते जाएंगे। तो अभी हम लगाकर बैठ गए रेस्ट करने पेड़ के नीचे। पापा को देखो बहुत ज़्यादा थक गए और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है हमारी, देख सकते हो आप। और बहुत ज़्यादा धूप भी है और अभी हम छाया में बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं सेब के पेड़ है और इसके नीचे बैठे हुए हम छाया में और बहुत ही अच्छी छाया और ठंडी ठंडी छाया। पापा की स्माइल से पता लगा सकते हो कितनी ठंडी छाया हो, कितना सेब का पेड़ है। मुझे लुफ्त उठा रहे इस बार सेब के पेड़ के और इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम खेत से आए हुए हैं, लड्डू वगैरह भी और हम सब हमने ये खाए, मटर भुने हमने आग में, क्या कहते हैं पापा इसको, इसको होला बोलते हैं, होला। और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे भुने हुए मटर, तो चलो हम खाते हैं, तब तक इसको टेस्ट करते हैं। खोल के बताओ पापा, वाओ टेस्टी टेस्टी। देखिए कोई नहीं आज वो भी है ना, तो ये मैंने भी तोड़ लिए। देखो ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजें पुरानी होती है, टेस्ट भी पुराना ही होता है और बहुत ज्यादा मजा आता है। डालते जाओ डालते जाओ, मुझे और मजा आएगा खाने का। पापा कभी 60 साल पहले भूनते थे इनको। तो अभी खाना खुना खाकर अभी हम लोग वो पापा ने जो बनाए थे वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मटर को भून के उसको खा के बहुत ही मज़ा आया। रियली पापा हमेशा बोलते थे कि उसको हम खाएंगे और उसको मज़ा आएगा, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और बहुत ही मज़ा आया। अब हमेशा मैं ऐसे ही करूँगी, जब भी मटर लगाऊँगी वो ज़रूर खाऊँगी बना के। तो ये देख सकते हो ये सभी की सभी लगे हुए हैं और अभी धूप बड़ी ज़्यादा हो रही, दिन का टाइम हो रहा है, खाना खा के तो और ज़्यादा धूप लग रही है, साथ साथ में हमें इनको पानी देना पड़ रहा है। तो ये देखिए पापा जी लगे हुए हैं और वो अंकल वगैरह सब पानी दे रहे हैं लड्डू, और ये हम लगेंगे अब इनमें पेड़ लगाने और इन सब में लगा देंगे अच्छे से। तो देखिए अभी हम खेत से फाइनली करके आ चुके हैं, वो देख सकते हो आप, वहाँ पापा जी आग लगा रहे हैं और धुआं उठ रहा है, जो भी कूड़ा है वो जला के आ रहे हैं। और हमने पूरा कर लिया है खेती का काम, तो आज बैंगन और उसके पौधे लगाए और लड्डू को देखो लड्डू लगाए घर की सफाई करें ताकि सांप वगैरह का खतरा ना हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पर गंद पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा ये जड़ी बूटी निकल ही आती है जितना साफ करो, लेकिन टाइम टू टाइम सफाई करते रहो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं ये कंटेनर में हमने जितना भी घर का वेस्ट बचता है उसके लिए हमने ये कंपोस्ट खाद बनाई हुई है, और जैसे ये खाद तैयार हो जाएगी तो हम इसे खेतों में डालेंगे। तो हम जितना भी घर का खाना या कुछ भी छिलका वगैरह कुछ भी बचता है तो हम इसमें डाल देते हैं कि ताकि उसका यूज़ हो सके, हम इसको यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हो मौसम भी ख़राब होने वाला है बहुत ही ज़्यादा और मुझे लग रहा है बारिश आ जाएगी, तो इसी तरह हम खेत का काम करके आगे अंदर की ओर जा रहे हैं।
और मैं होगी नहा धो के फ्रेश और बढ़िया तरीके से नमाज पढ़ के अभी मैं फ्री होगी। अभी इन लोगों ने फ्रेश होना है और ये भी नमाज पढ़ेंगे। और आज बहुत ज़्यादा थक गए, आज पूरा का पूरा दिन काम में लग गया और पनीरी लगाते ही लग गया। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।